नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजू बघेल, जो इस समय द खुशी फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं, साथ ही साथ आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर काउंसलर भी हैं और साथ ही साथ यह स्वतंत्र निर्देशक हैं CCI की। आपको ये भी बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां एक ओर महिलाओं का सम्मान हो रहा है, तो वहीं ये आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों महिलाओं के बीच पहुंची हैं। ग्रामीण महिलाओं को यह रूबरू करा रही हैं उन योजनाओं से जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, और उन महिलाओं से जानकारी ले रही हैं कि उनको किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और जो महिलाएं योजनाओं के विषय में नहीं जानती हैं उनको ये जानकारी दे रही हैं। तो हम अपने चैनल पर डॉक्टर मंजू बघेल का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार वह महिलाओं को जागरूक करती हुई नज़र आ रही हैं और आज जो महिलाओं के बीच पहुँची हैं तो उनको क्या कुछ जानकारी मिला। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप गांव पहुंची हैं, तो गांव की महिलाओं के बीच पहुंची हैं, तो कैसा कुछ जानकारी मिल रही है, महिलाओं को कौन कौन सी योजनाओं से आप रूबरू करा रहे हैं, और इस समय भारत सरकार की योजना जो चल रही है क्या महिलाएं उनका लाभ ले पा रही हैं? हाँ, महिलाएं बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं भारत सरकार की जिनका लाभ ले रही हैं। अकेले इस ग्राम पंचायत बरारा में 20 स्वयं सहायता समूह हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि महिलाएं योजनाओं का लाभ ले रही हैं, पर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में महिलाओं को नहीं पता, कुछ हैं जिनके बारे में महिलाएं जानती हैं और उनसे लाभान्वित भी हो रही हैं। जिन योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं है, तो क्या आपके द्वारा उनको जानकारी दी जा रही है? हाँ, मेरा उनसे बहुत देर तक डिस्कशन हुआ। उनको मैंने पूछा, क्या आप इन योजनाओं के बारे में जानती हैं? तो कुछ ने कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं। मेरा जो डिसीजन इसलिए था यहाँ आने का, क्योंकि शहर में अवेयरनेस होती है, ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस नहीं होती। जन कल्याणकारी योजनाओं का मतलब होता है कि वो योजनाएं जन जन के लिए होती हैं, जो लोग आवश्यकता वाले होते हैं। जैसे कि कोई भी महिला अपने आप को सशक्त तब तक नहीं कर सकती जब तक वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, और भारत सरकार की ये कोशिश है कि हर महिला सशक्त होकर अपने परिवार के साथ साथ राष्ट्र विकास में भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। तो मेरा बस इस बीच में आपसे यही कहना होगा, शिक्षित होने के साथ साथ एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होने की राह में अगर आगे बढ़ती है तो यह दर्शाता है कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जैसे मैंने उनको पूछा, क्या फ्री सिलाई मशीन योजना है, इसके बारे में आपको पता है? उन्हें पता तो है, पर इसका लाभ वो कैसे ले सकती है, इसके लिए क्या क्या पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, किस किस उसको अधिकारी के पास जाना है, किस किस नेचर होने हैं, वो उसको नहीं पता, इसलिए वो इसका लाभ नहीं ले पा रही। बालिका समृद्धि योजना है, उसको नहीं पता कि कितनी छोटी मेरी बच्ची हो जिसके लिए वो इस योजना का लाभ ले सकती है। कुछ महिलाएं जो जागरूक हैं वो इसका लाभ ले पा रही हैं, जैसे महिला शक्ति केंद्र योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, और ऐसी कई, जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में हर महिला जानती है और खुश होकर उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं गैस पर खाना बनाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिनके लिए योजनाएं बन रही हैं वो इससे लाभान्वित भी हो रही हैं। अच्छा, मैं साथ ही साथ एक बात और जानना चाहूँगा कि जो भारत सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके साथ साथ और महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करना चाहेंगी, और कौन कौन सी योजना है जो महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही, उनके लिए किस प्रकार का आपकी तरफ से प्रयास किया? जैसे मुद्रा लोन योजना है, स्त्री शक्ति योजना है, फ्री सिलाई मशीन योजना है, ऐसी कई अनगिनत योजनाएँ हैं जो महिलाओं को मैंने आज उनको बताया और वो बहुत खुश हुई। और मैंने उनको बताया कि इसके लिए इतना लोन मिलता है, इस योजना में अगर आप 50% तक हिस्सेदारी आपकी होती है तो आपको भारत सरकार सपोर्ट करेगी और कम ब्याज दर पर आपको सपोर्ट करेगी। इन योजनाओं को लेकर आने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य था कि मैं उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उनकी मदद करने में सक्षम हो पाऊँ। महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारत सरकार अनेक प्रकार के प्रयास भी कर रही है, आप भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ गांव में देखा होगा आपने कि गांव में आज भी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, तो उन महिलाओं के लिए आप किस प्रकार का प्रयास कर रही हैं और क्या कुछ कहना चाहूँगी? मैं भी ये गाँव से ही बिलोंग करती हूँ, मेरा गाँव बरारा है और मैं यहीं की सबसे पहली PhD हूँ और आज शिक्षित होकर मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी ये कोशिश थी कि क्यों ना शुरुआत अपनी ग्राम पंचायत से ही की जाए। तो महिलाएं जो मुझे पहले से जानती हैं, उन्होंने छोटे से बड़े होते हुए मुझे देखा है, तो मैं उन्हें अच्छे से समझा सकती हूँ। और महिलाएं
कुछ महिलाएं देखकर बदलती हैं, कुछ महिलाएं जरूरत के हिसाब से बदलती हैं। महिलाओं को किसी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। मैं जब जब परिवार की कंडीशन ख़राब हुई है, महिला ने अपने परिवार की बागडोर संभाली है और इसके लिए उसे किसी की उदाहरण की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही इतना सक्षम है। पर कुछ परिस्थितियों के कारण या कुछ सामाजिक दबाव के कारण वो अपने आप को बाहर नहीं ला पाती। पर हाँ, अब ये पुरानी बात हो चुकी है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आपको शिक्षित होती हुई दिखाई देंगी, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपने देखा होगा जितना रिजल्ट लड़कों का परसेंटेज में अच्छा नहीं होता, उतना लड़कियों का होता है। हाँ, लड़कियों के लिए अब पहले बहुत ऐसी बात थी, पर आज नहीं है। आज निडर होकर वो बाहर जा रही हैं, पढ़ भी रही हैं, सब काम कर रही हैं। सबसे बड़ी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो आप देख रहे हो। इस योजना के 7 साल पूरे हो गए। मुझे जब मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा, उस पर मुझे इतना प्राउड फील हुआ जब मैंने इसका डाटा सर्च किया। जो हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू की गई थी, इसके साथ साथ 100 जिलों को चिन्हित किया गया था। आज आप देखेंगे वहाँ तो लड़कियों के लिए बदलाव है, जो जिन्हें पहले ही पैदा होने से पहले ही जिन्हें मार दिया जाता था। आज इस योजना के आने के बाद इतनी जागरूकता फैली है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1000 बेटों पर 1020 बेटियां हैं। इससे बड़ी बात और आप क्या लेंगे? क्योंकि समाज को बदलना, इतना जल्दी हम परिवर्तन नहीं ला सकते। हाँ, परिवर्तन होता है किसी की सोच को बदलना, और ये कहेंगे कि आप एक साथ ही उसकी सोच बदल जाए, नहीं हो सकता। आदमी देखता है चारों तरफ, फिर करता है कि हाँ मेरी बेटी भी तो कर सकती है ना। तो बस देखकर ही बदलाव आने की कोशिश होती है, और इसमें भारत सरकार की सभी योजनाएँ इतनी कारगर हैं कि हर महिला अपना उद्यम शुरू कर सकती है, और महिलाएँ कर भी रही हैं। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ आपने एक और बात कही कि मैं गांव की पहली बेटी हूं जिन्होंने पीएचडी किया। तो आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में आज भी बेटी और बेटे के साथ भेदभाव किया जाता है। आप एक पहली बेटी हैं जिन्होंने पीएचडी की है, तो उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगी जो गाँव में रहकर पढ़ाई करनी चाहती हैं परंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती? भारत सरकार इतना सारा सपोर्ट करने के लिए योजनाएँ लेकर आ रही है कि हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। आपने देखा बाल समृद्धि योजना है, ये एक छात्रवृत्ति योजना ही तो है जिसमें वो हायर एजुकेशन तक पहुंच सके। दूसरा, पहले 18 साल तक एज थी मैरिज, अब उसने 21 कर दी है ईयर, तो अभी क्या है, उसको पढ़ने का मौका मिलेगा ना। तो अभी जब तक कम से कम इतना तो वो पढ़ सके कि कल को वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, या अपने उसके आसपास क्या हो रहा है, उसकी सराउंडिंग में देश में क्या हो रहा है, तो वो अपने जज्बे को आगे लेके आ सकती है और अपनी कहते ना कि हौसलों की उड़ान को वो पंख दे सकती है। और मेरी कोशिश है कि इस दिवस को हर कोई इस रूप में मनाए, उसके अंदर एक जज्बा एक जोश देने के लिए, ताकि वो आगे कुछ कर सके। मैं साथ ही साथ एक बात और जानना चाहूँगा कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जहाँ कई संस्थाएं महिलाओं को सम्मान भी कर रहे हैं। आप भी एक कई निर्देशक भी हैं और आप द खुशी फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं सम्मानित किया जा रहा होगा। इसके बावजूद सबको छोड़कर आप गाँव की महिलाओं के बीच पहुँची हैं, तो इसके पीछे हम क्या मान के चले, क्या कुछ कहना चाहूँगा? इसके पीछे ये मान के चलना चाहिए कि सम्मानित किसी भी सक्सेसफुल वुमेन को कोई भी बुलाकर सम्मानित करेगा, एक प्रेरणा के लिए इंस्पिरेशन मिले समाज में। बट मेरा ये कहना था अपने आप से कि नहीं, ये ना करके, ये तो हर कोई कर रहा है, क्यों ना जब तक किसी की इकोनॉमिक आय नहीं बढ़ेगी तब तक वो कैसे अपने आप में सक्षम हो सकती है। क्योंकि सशक्तिकरण का मतलब ही होता है कि आत्मनिर्भर के साथ साथ वो निर्णायक भी हो, वो निर्णय लेने में भी सक्षम हो। निर्णय लेने में वो सक्षम क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। अगर वो एजुकेटेड होगी तभी तो समझेगी वो कि आसपास क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सशक्तिकरण का मतलब ही मैं यही समझती हूँ कि महिला आत्मनिर्भर हो, सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक और स्वयं से जुड़े फैसले वो लेने में सक्षम हो पाए, तब महिला अपने आप में सशक्त होगी। और महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं, एजुकेशन में भी महिलाएं आगे आ रही हैं, वो उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए आगे लेकर आ रही हैं। उन सभी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे जो आज भी जागरूकता से वंचित हैं? आप लोग गांव-गांव जाकर जागरूक कर रहे हैं, जो वंचित हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कि ज़्यादा से ज़्यादा वो योजनाओं का लाभ लें और आसपास क्या हो रहा है उससे जानने की कोशिश करें,
ताकि अब अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से या अपने घर में उससे डिस्कस कर सकती है, पूछ सकती है। स्वयं सहायता संगठन की महिलाएं उससे भी जाके डिस्कस कर सकती है और वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रयासरत रहेगी तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं का लाभ उसको ज़रूर मिलेगा। और महिलाएं ले भी रही हैं क्योंकि यहाँ पर 20 समूह हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सब लोगों से मिलकर, जब मैं उनके घर जाकर उनके आसपास जाकर मैंने सबसे कहा तो मतलब सब लोगों को मुझसे और मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मंजू बघेल, जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां सक्सेसफुल महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है तो उन्होंने एक निर्णय लिया, ये गांव-गांव पहुंची, महिलाओं को जागरूक करती दिखी। इनका बस एक ही सपना है कि भारत सरकार के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएँ चलाई जा रही है वो है हर घर की महिला तक पहुँचे, ताकि महिला जागरूक हो, सशक्तिकरण हो और अपने फैसले स्वयं ले सके। सक्सेना आगरा।